नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ आपका प्रिय यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल क्लास में आपका। तो विद्यार्थियों, हमारे भारत का इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन पढ़ेंगे आज हम कल हमने पढ़ा था सामाजिक जीवन, आज हम पढ़ेंगे धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन क्या है, क्या ये क्या क्या धर्म करते थे, किस किस को मानते थे, वो पढ़ेंगे। तो पहला ही पॉइंट है, मातृ देवी की पूजा करते थे। तो क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ पर करते थे जिसका निम्न प्रमाण है, ये मातृ देवी की पूजा करते थे। क्या प्रमाण है इसका? एक नंबर है, बनवाली से भरा मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां। बनवाली से आपको पता है मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली थी, तो मूर्तियां मिली तो ऐसे माना जाता है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे। फिर हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी के गर्भ से पौधे के निकलती हुई चित्रा मुहर। हड़प्पा से आपको पता है एक मातृ देवी के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मुहर मिली थी, तो ऐसा माना जाता है ये मातृ देवी की पूजा करते थे, उनको मानते थे। फिर नोट से, हड़प्पा से प्राप्त मुहर में मातृ देवी को जॉन मार्शल ने क्या कहा? पृथ्वी की देवी। जॉन मार्शल ने ऐसे कहा था कि ये पृथ्वी की देवी है। तो विद्यार्थियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नोट में लिखा है मैंने, आ सकता है। हड़प्पा से प्राप्त मुहर में मातृ देवी को क्यों जॉन मार्शल ने क्या बोला था? तो पृथ्वी देवी बोला था। फिर है शिव पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव पूजा भी करते थे। क्या करते थे? सिंधु घाटी के लोग शिव के प्रारंभिक रूप से पशुपति शिव की पूजा करते थे। ये पशुपति शिव की पूजा करते थे कैसे करते थे? जिसकी जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मूर्ति से मिलती है। मोहनजोदड़ो से आपको पता है पशुपति के शिव की मूर्ति मिली थी, जिसे नीचे दो अमृत हमने ऐसे पढ़ा था, आपको मैंने सब बताया था। तो वो ही उसे माना जाता है कि ये पशुपति की भी पूजा करते थे। फिर क्या, प्रजनन पूजा। क्या ये प्रजनन पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग में योनि की पूजा करते थे, जिसकी जानकारी मुहरों पर अंकित चित्रों से मिलती है। ऐसे माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग व योनि की भी पूजा करते थे, जिसकी जानकारी क्या में किससे मिलती है? तो वो मोहरों पर अंकित चित्रों से मिलती है। ऐसे माना जाता है चित्रों पर मोहरों पर चित्र अंकित था। नोट्स, जॉर्ज टेलर्स ने प्रजनन पूजा का खंडन किया था। तो ऐसे प्रश्न आ जाता है, प्रजनन सिंधु घाटी सभ्यता में प्रजनन पूजा का खंडन किसने किया था? जॉर्ज डेलेस ने। जल पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल पूजा भी करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार जल पूजा की जानकारी देता है। मोहनजोदड़ो से आपको बताया विशाल एक स्नानागार मिला था, तो उसे माना जाता है कि ये जल पूजा भी करते थे। तीन नोट्स लिखा है मैंने नीचे। पहला नोट्स क्या है, जॉर्ज मार्शल ने विशाल स्नानागार को आश्चर्यजनक इमारत की संज्ञा दी। तो ऐसे प्रश्न आएगा विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला था, इसको आश्चर्य आश्चर्य इतना बड़ा, तो आश्चर्यजनक इमारत किसने कहा था? जॉन मार्शल ने। फिर ये धोलावीरा नामक स्थल से तालाब के साक्ष्य मिले। एक ये भी नोट्स की बात है, धोलावीरा नामक स्थल से तालाब के साक्ष्य मिले, तो ऐसे माना जाता है ये जल पूजा करते थे। फिर नोट से, कालीबंगा लोथन राखी बेटी हुए बनवाली से प्राप्त यज्ञवेदिकाओं के पास बने हुए कुओं से हमें जल पूजा की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है विद्यार्थियों? कालीबंगा लोथन राखी गड्डी में बनवाली से प्राप्त यज्ञवेदिकाओं के पास में कुआ है, तो ऐसे माना जाता है जब ये यज्ञ करते थे तो कुआ पूजन भी करते थे। तो उसको कुआ पूजन एक तो ऐसे शेखावटी में वो बोलते हैं जिसको छोटा बच्चा होता है, वो अलग है, ये पूजा करते थे। तो ऐसे माना जाता है जल पूजा की जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थी इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे लिखा रही हूँ। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन क्या है। पहला पॉइंट है मातृ देवी की पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसके निम्न प्रमाण है। एक नंबर, बनवाली से प्राप्त मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां। सेकंड नंबर है, हड़प्पा से प्राप्त मातृ देवी के गर्भ से पौधे को निकलते हुए चित्रित मुहर। फिर नोट से, हड़प्पा से प्राप्त मुहर में मातृ देवी को जॉन मार्शल ने पृथ्वी की देवी क्या है। फिर सेकंड नंबर, दो नंबर पॉइंट क्या है, शिव पूजा। क्या है विद्यार्थियों? शिव पूजा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शिव के प्रारंभिक रूप पशुपति शिव की पूजा करते थे, जिसकी जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त
पशुपति शिव की मोहर से है। प्रजनन पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिंग व योनि की पूजा करते थे, जिसकी जानकारी मोहरों पर अंकित चित्रों से मिलती है। एक नोट लिखा है बीच में मैंने, जॉर्ज डेनलेस ने प्रजनन पूजा का खंडन किया। फिर है जल पूजा, मोहन जोदड़ो से प्राप्त विशाल सिन्हा नगर जल पूजा की जानकारी देता है। नोट्स, जॉर्ज मार्शल ने विशाल सिन्हा नगर को आश्चर्यजनक इमारत की संज्ञा दी। फिर से नोट्स, सेकंड नंबर धोलावीरा नामक स्थल से तालाब के साक्ष्य मिले। थर्ड नंबर नोट, काली बंगाल लोथल राखी गड्डी में बनवाली से परा यज्ञ वेदिकाओं के पास बने हुए कुओं से हमें जल पूजा की जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे चार पॉइंट। आगे हम और लिख रहे हैं, आपने लिख लिया होगा।
विद्यार्थियों 5 नंबर पॉइंट है पशु पूजा। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशु पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु कौन सा था? मैंने बहुत बार बता दिया आपको, पता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु था घुबड़ वाला बैल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मोहर पर कौन से था? मोहर पर एक श्रृंगी बैल था। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक श्रृंगी बैल के मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, घोड़े से वो अपरिचित थे। फिर वृक्ष पूजा, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल व नीम के वृक्षों की पूजा करते थे, जिसकी जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से होती है। मोहनजोदड़ो से मोहर मिली है जिन पे पिंपल और नीम के पेड़ ऐसे बने हुए थे। तो ऐसे पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पिंपल व नीम की पूजा करते थे। हाँ, वो भी वृक्षों की पूजा करते थे। फिर प्रतीक चिन्ह, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्तिक यानी ये होता है, या मैंने चित्र बना दिया आपको दिख रहा है ऐसे होता है ना, ये इसको स्वास्तिक बोलते हैं। अब आपके अलग अलग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैसे तो इनका नाम स्वास्तिक है लेकिन अलग बोलते होंगे। चिन्ह बनाकर पूजा करते थे, जिसे लगता है कि इन्हें सूर्य पूजा का ज्ञान था, इनको सूर्य पूजा का ज्ञान था, इसे पता चलता है। तो इसका स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे चल रहे। पशु पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड था। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक श्रृंगी बैल का मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। वृक्ष पूजा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पिंपल व नीम के वृक्षों की पूजा करते थे, जिसकी जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर से होती है। प्रतीक चिन्ह, हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्तिक चिन्ह बनाकर पूजा करते थे, जिसे लगता है कि उन्हें सूर्य पूजा का ज्ञान था। तो ये था विद्यार्थी हमारे 3 पॉइंट, और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैंने बोल दिया आपने लिख लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है मंदिर। मंदिर था क्या सिंधु घाटी सभ्यता में? तो मार्टिमन वेहिलर ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल सभा भवन को मंदिर की संज्ञा दी। ऐसे माना जाता है कि एक विशाल मोहनजोदड़ो से एक विशाल सभा भवन मिला था, जिसको मार्टिमन वेहिलर कहते हैं। यह सभा भवन नहीं था, क्यों? वहां पे तो वो खंडर मिले थे ना, तो उनका मानना यह एक मंदिर था, सभा भवन नहीं था। लेकिन जॉन मार्शल ने मंदिर होने का खंडन किया। जॉन मार्शल ऐसे मानते हैं कि वो सभा भवन
नहीं था। तो ऐसे प्रश्न आएगा, ऐसे प्रश्न आएगा, मोहनजोदड़ो में विशाल सभा भवन को मंदिर होने का खंडन किसने कहा था? तो जॉन मार्सन ने। इसका आप स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चल रहे। चलो मैं बोल रही हूँ, मंदिर मार्टिमन वेहिलर ने मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल सभा भवन को मंदिर की संज्ञा दी। जॉन मार्सन ने मंदिर होने का खंडन किया। तो विद्यार्थियों यह था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब हमारे बच्चा है सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन, वो हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। फिर हमारे सिंधु घाटी सभ्यता फिनिश हो जाएगी, फिर हम एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। कुछ भी वैदिक सभ्यता कुछ भी कर लेंगे जो आप बोलेंगे। तो विद्यार्थियों अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। धन्यवाद।